तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण, आप देख रहे हैं प्रवीण का जुगाड़। तो वीडियो अगर अच्छी लाइक कर देना है, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पोर्टेबल वॉल माउंटेड फैन। कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स भी वीडियो में बताई है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं PVC पाइप से फ़ैन का फ्रेम बना लिया हूँ। इसका डायमेंशन मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, हमको मिड पॉइंट निकालना है। चारों तरफ का मिड पॉइंट निकाला है, जैसे कि फ्रेंड मैंने मार्क कर लिया है इस तरह से। मिड पॉइंट में इस तरह से मैं चारों तरफ करना है। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, 16 cm का मैं पाइप कट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ हमको चिपकाना है, दोनों साइड चिपकाना है दोस्तों। ये देखिए, इससे पहले हमको घिसना होगा राउंड शेप में। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा फिक्स हो जाएगा, हमारा चिपकाने में आसानी होगी। इसी तरह दोनों को भी चिपका लेना दोस्तों। तो फ्रेंड देख सकते हो फ्रेंड, इसको भी इसी तरह घिस लेना है सैंड पेपर की मदद से। ये देखिए फ्रेंड, हमारा घिस चुका है। अब इसको चिपका लेते हैं फ्रेंड्स। मैं इसको चिपकाने के लिए इंस्टेंट ग्लू यूज कर रहा हूँ। उसके बाद सबको जहाँ जहाँ जॉइंट होगा सब तरफ मैं MC चिपका दूंगा बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पाइप कट कर लिया इस तरह से, अपने हिसाब से ले सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मिड में हमारा मोटर आएगा दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड, पूरा बीच मारना चाहिए। इसका डायमेंशन आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मोटर यहाँ बीच में आएगा फ्रेम के बीच में। तो फ्रेंड, इसके अंदर मैं मोटर फिक्स करना होगा। मैं यूज कर रहा हूँ 555 DC मोटर, ये आपको इजीली मिल जाएगा 100 रुपये में। तो फ्रेंड, इसका मैं वायरिंग कर लिया हूँ। देखिए फ्रेंड, इसका हम फिक्स कर लेंगे अंदर पूरा टाइटली। इंस्टेंटली कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइटली फिक्स हो ही जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा फिक्स हो गया है, चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा फिटिंग पाइप भी यूज कर रहा हूँ दोस्तों, अब ढीला होगा तो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमको यहाँ लगाना होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको चिपकाने के बाद मैं सब तरफ MC लगा दिया हूँ। मजबूत होना चाहिए दोस्तों, वाइब्रेट होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो। ये देखिए फ्रेंड, मैं 8 इंचेस का मैं पाइप यूज कर रहा हूँ PVC का। ये देखिए फ्रेंड, 8 इंचेस है। इस तरह से मैं लकड़ी का टुकड़ा ले रहा हूँ दोस्तों। ये 1.5 इंचेस का आसपास होगा लकड़ी का टुकड़ा। फ्रेंड, इस तरह से चिपका देंगे अंदर। जो हम लकड़ी का टुकड़ा लगाया था वो नीचे की तरफ रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक होल कर दिया है मिड पॉइंट में दोनों तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी, ये पाइप को भी होल करने लगे क्या हमें लकड़ी का टुकड़ा लगा था। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, होल हो चुका है। तो इसको नट बोल्ट कस लेंगे। चलिए मैम, इस तरह से कुछ लगाना है दोस्तों। ये ही वासर लगा देना है, वासर नहीं लगाओ तो लूज हो जाएगा, टाइट नहीं हो पाएगा। उसी तरह दूसरी तरफ भी लगा दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको टाइट भी कर लेंगे। इसको पूरा टाइट नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखते रहना है, पूरा टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा ढीला होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ मैंने लगा दिया है। इस तरह से मूव होने वाला है हमारा फैन। तो फ्रेंड, यहाँ मैं स्टील ग्लू लगा दिया था नट के, वहाँ नट निकले ना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी पाइप लगा दिया है।
और एम सिक्स से चिपका भी दिया है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं 2.5 इंच का मैं पाइप यूज कर रहा हूँ, इसका भी घिस लिया है, इसको भी चिपका देंगे इसको कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड 16 cm का मैं पाइप यूज कर रहा हूँ, इसका भी मैं घिस लिया है चिपकाने के लिए, इसको ऊपर लगाना है, पूरा टॉप में लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ एम सील लगा देना है, इसके स्टेन ग्लू चिपकाने के बाद एम सील लगा देना है दोस्तों। इस तरह से दिखता है आप दोस्तों। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से जुगाड़ क्या है, दोनों वासर लगा दिया है, उसके बीच में नट लगा दिया है, उसके बाद एम सील चिपका दिया दोस्तों, देख सकते हैं। इसी तरह आपको भी करना है, आप समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस साइड में लगाना है, ये देखिए फ्रेंड्स ये साइड है, यहाँ पे लगा देना है दोस्तों, गैस में हीट करके अंदर लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स गैस में हीट करके लगा दिया हूँ, पूरा टाइट हो चुका है, स्टेन ग्लू भी लगा देना है, चाहे तो यहाँ पर एम सील लगा सकते हैं, सर इससे हमारा नट अंदर जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो बने रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड ये देखिए दोनों तरफ में लगा दिया है, तो फ्रेंड मैं 30 cm का पाइप ले लिया हूँ, ये लकड़ी का टुकड़ा भी लगा दिया है, इसी तरीके से मजबूती बने रहे। ये देखिए फ्रेंड इस तरह कुछ फिक्स हो जाएगा, स्टेन ग्लू लगा देंगे इसके बाद, दोनों में सही करना है दोस्तों। ये 13 cm का पाइप है दोस्तों, इसमें मैं चिपका रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड देख सकते हैं 13 cm है। इसी तरह दो लेना है 13 cm का, यहाँ पे भी होल कर देना दोस्तों, बड़ा होल करना है, आपके नट नट के हिसाब से रहेगा होल। ये देखिए फ्रेंड वही नट फंसाने वाला है, हम यहाँ पे कस देंगे इसको, इसको टाइट कर लेंगे। यहाँ भी दे सकते हैं ऊपर नीचे होने के लिए हमारा जुगाड़ हो चुका है, उसके बाद इसको ऊपर से भी चिपका देंगे इसको, यहाँ देख के मार करके कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसको मैंने भी चिपका लिया है, ये देख सकते हैं मैं थोड़ा मिट्टी डाल के उसके ऊपर इंस्टा ग्लू लगा के चिपका दिया हूँ, पूरा पत्थर की तरह हो जाएगा, ये ट्राई आप जरूर करना दोस्तों। देख सकते हैं सब तरफ मैं जॉइंट के लगा दिया है इसको, इसे ज़रा मूव होने वाला है हमारा फैन, ये देखिए फ्रेंड ये ऊपर नीचे होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमें बोर्ड में लगाना है दोस्तों, इसीलिए हम पत्ती यूज कर रहा हूँ मैं, ये देखिए इसका भी डायमेंशन मैं आपको दिखा दूंगा, ये 9 इंचेस का दोस्तों, थोड़ा राउंड शेप में मोड़ दिया है मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स इसको कस लेंगे, पूरा टाइट हो जाएगा, यहाँ पे होल करना होगा, देख सकते हैं यहाँ मार्क कर लिया है, इस तरह फिक्स होने वाला है पाइप में। ये ध्यान रखना कि आप पूरा टाइट हो, यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे होल कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से मैं कुछ कस लिया हूँ उसको, जहाँ मैं पीवीसी पाइप लगा था वहाँ के रबर लगा के कस लिया हूँ, ये देखते हैं फ्रेंड, ये देखते हैं रबर लगा के इसको कस दिया है, पूरा टाइट हो गया है दोस्तों, बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, बोर्ड में इस तरह से कस दिया है दोस्तों। ये देखिए बोर्ड में जो स्क्रू होता है इसी तरह मूव होने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स पहले इसको खोल लेंगे, अभी कलर करने वाले हैं दोस्तों, इसको पहले घिस लेंगे उसके बाद कलर कर लेंगे दोस्तों।
फ्रेंड्स देख सकते हैं। अभी हमारा कलर ये देखे फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से स्पोक टाइप का लगा दिया हूँ, 2 cm छोड़ के लगा दिया हूँ दोस्तों। अब लगा भी सकते हैं, नहीं लगा भी सकते हैं, मैं सेफ्टी के लिए लगा दिया हूँ। ये देख सकते हैं हमारा कलर हो चुका है, पूरा मस्त लुक आ रहा है दोस्तों। आप ही बना सकते हैं घर में। देख सकते हैं फ्रेंड, यह हमारा बैंड हो रहा था, तो यहाँ पे हैवी सीटी यूज कीजिएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।